श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मने मुकुर सुभा वरनौ रघुवर विमल जसु जो धायक फल बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार बले बोधि विद्या देहु मोहि हरहु कलि सेविका या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेन्द्रि संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ये गांव अटक आवाज के रामचरितमानस के सुनैया जतेक संत समाज बैठे हैं सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संतजन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित मोर श्रद्धामती माता हो मोर प्यारी प्यारी बहनी हो मोर नानी संगवारी हो उपस्थित समस्त आयोजक समिति आदरणीय निर्णायकगण संचालक महोदय आप सबों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपर हट्ठा वो नवा छुरा जिला गरिया बन के ये नान्हे नान्हे लैका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा ही पावन समय है कि सन 2016 नवा साल के शुभ आगमन के साथ ये गांव अटक में राम कथा के आयोजन अब आप सबके पुण्य के फल है कि आप जैसे संत समाज के दर्शन करे के अवसर मिलत है आप सबोजन सन मिल के सत्संग करे के अवसर मिलत है। आओ एक सुंदर सत्संग के प्रभाव भगवान मनुष्य रूपे अवतरित होके नाना प्रकार के लीला करत है संत समाज मल्ला जगह जगह नगरवासी मल्ला अयोध्यावासी मल्ला तमाम मृत्यु लोग के हर जन जीवन ला सुखमय बना थे एक नवा चेतना के नवा प्रकाश के अंजोर बाटत बालकांड यात्रा भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओ गाबो जी नवा अजर बगेरा बोजी राम कथा गुन गाबो जी नवा अजर बगेरा बोजी सत्संग के गंगा माँ भैया मिलजुल डुबकी लगाबो बंटी गावा तेरी भागे जागा तेरी उमलिया भागा तेरी धरती नाचा तेरी हो हो हो
चमक नदिया मानस गंगा पीरा पिसेरा लो जी ज्ञान देवैया मुक्ति दाता तन मन रूप किला गालो जी राम चरैया राम नैया माया सकने दुख देवैया राम चरैया राम नैया माया सकने दुख देवैया भजन बिना भजन बिना बिरथा है काया सुन लो मोर संगवारी बंटी गावत रे भागे जागत रे उमरिया भागत रे धरती नाचत रे हो 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 लख चौरासी योनि भटक के मानुष तन ला पाए हाँ बाला बनी में खेलन कूदन जवानी तेरी मोहाए हाँ धरम भुलागे धरम भुलागे माँ के गर्भ माँ क्रिया खाए धरम भुलागे धरम भुलागे माँ के गर्भ माँ क्रिया खाए राम सुमर गो राम सुमर गो ध्यान लगाबो सुन लो मोर संगवारी पंची गावत रे भागे जागत रे उमरिया भागत रे धरती नाचत रे पंची गावत रे भागे जागत रे उमरिया भागत रे सियावर राम चंद्र की जय व्यापक यकलयनी है जय निर्गुण नाम न रूप भगत है तू नाना विधि करत चरित्रयनु उपस्थित मानस के श्रोत समाज कथा प्रसंग बालकांड भगवान महाराज दशरथ के घर जन्म धरी मनुष्य रूप में उतार लीस महाराज दशरथ के बेटा रूप में जन्म धरीस और भगवान भक्त मन पर प्रकट हो रही से तीनों एक संग्रह हो गए हो तीनों एक संग्रह हो रही से अलग अलग स्वरूप में अमन जन्मे भर धर था अवतार फवतार हो है ने कोठर पहली अरहर हैं फिर बरहर हैं तब मनसे जन्म धरे हैं जिसे बता त्रिष्ण यूनिक बारे में पर भगवान तीनों स्वरूप में पैदा हुई काक्षति यहां चरित्र करे बार ये राम कौन है एक स्वयं चरित्र है राम हा स्वयं एक चरित्र है जे हमार जनमानस ऊपर फोकस डालत है ना समझ जाओ जान लो अब यहाँ सब समझते सब समझदार है कोनो समझाए की जरूरत नहीं है भोकवा एक झन नहीं है पहली मर रहा है जब हमारे माता पिता मन कहा है पढ़े नहीं अनगा लिखे नहीं अनगा नहीं समझन बाबू इसे कहा पर आजकल इतना समझदार है अतका पढ़े लिखे है चार साल के लड़का रेंगे तमीज नहीं है जो टच स्क्रीन मोबाइल चलाते गेम खेलते इतना इंटेलिजेंट है अब मतलब ना समझ एक जन नहीं समझते सब पर एक जन नहीं समझे दर एक सब हाँ समझदार सब है पर एक जन नहीं समझे ये दुर्भाग्य जैसे
कन्हों कर बाजार गए हस एगो जन यार दोस्त मिल गए ते साग भाजी ले बस भाटा माटा एक आध जन संगवारी मिल गए ते है कहाँ है यार इसे कहा थे तो राखी नहीं दिखा थी यार बाजार है ते बस उसने थे संसार खेत में नींदा थे नितरोपा लगा थे मेल दुरियल चिल्लात रहे काय कर थे बहू जी इसे कहा थे धान लो खान के तोर थोतना फेंकूं का हाथ रहे बाबू कही दे तोर दिमाग खराब है मैं नींदा थो तेन देखा थत्ते है नांगर जो तत्र पे तेला चिल्ला दे काय कर थे साहू जी बैला पीठ में चढ़े हो भैया कही दे ते चला बस उसने छे संसार है ये संसार हम सुने छे समझते सब पिता को मालूम है कि उसका कर्तव्य क्या है उसका फर्ज क्या है अगर वो बच्चा पैदा किया है और लैकल कतका का अपेक्षा रथे हर जन के माता पिता चाहते कि मोर बाप महुल अच्छा कपड़ा देतीस अच्छा मकान देतीस है अच्छा खाना देतीस अच्छा मोल पढ़ातीस लिखातीस मैं एजुकेटेड होते ऑफिसर बनते है मेरे पास भी पैसा होता और पैसा होता तो फिर कैसा कैसा नहीं होता है सब चाहते हैं क्या उस पिता को मालूम नहीं है का तो बारहा पीला सा लड़का कोरी कोरी पैदा कर दे हैं काकरो पर एक ठन पेंट नहीं है चिरहा पेंट लपहिने थे हैं काकरो नाख बोहा थे काकरो हो कुल लोरो बोटो पर है कोनो सीथल बगरा है हैं ऐसे ऐसे थे इंसान तेला कवत का कर्तव्य नहीं जानवेगा हाँ कते गला पैदा करवेगा कहते पोसा था दुन में पोसा था इसे कहते तो इसने पोस मेरे कंगाल इच्छरे हमार जीवन के अज्ञानता हाँ जे रामचरित मानस के माध्यम से समझे के भैया समझाए एक बहुत अच्छे चरित्र करे भगवान है ना एक बेटल कैसे चरित्र करना चाहिए एक बेटा के चरित्र कैसे होना चाहिए कतका पे अक्षर थे जानतो है हो कतका पे अक्षर थे जानतो मोर घर बेटा है बहनी सिंह मोर घर बेटा है वो ना ये चरमुड़ी नहीं से कहा देते काया है बहनी नाती बहनी वो कट डोकरी दे होती रहेंगी होती रहेंगी दुकान कहाँ है फटाका कहाँ है पत्ती कहाँ है ओकर बुड्ढी कटो प्रेम को तो इतना प्रेम हो अब फटाका तो इतना फोरी आगु वाला घर नहीं कि दिमाग गंजा जाता हाँ इतना फटाका छठी दिन तो फुल भट्टी खोल दो थे चेप्टी वालों के लिए चेप्टी है ना बारे चेप्टी का तो है बियर वालों के लिए बियर आरएस वालों के लिए आरएस है चिकन खाता है उसको चिकन खिलाओ अंडा वालों के लिए अंडा कौन टा रखो व्यवस्था को है नहीं है ना रामायण वाला सिर्फ को सिर्फ आलू चलम भसेड़ दो चलो थे रामायण वाला भर नहीं खाए थे हम वाला कहात नहीं बने हम मन खाओ या पिए यान की के काय कर भूख दर्द न थे हैं उत्का व्यवस्था रथे सुने कतका का ना पेक्षा रथे जानथस मोर बेटा पढ़ी मोर बेटा आगे बढ़ी अधिकारी बनी पैसा कमाई सुंदर बहु वही फिर नाती नती नहीं मैं का खिलात बैठे रहो हैं पता नहीं कत का सुनहरा सपना देखत रहते पर वारे दुर्भाग अपन 1000 के मोबाइल नहीं उकर बट 6000 अपन चिरहल पहनी उकर जींस पहना थे हैं आहा अपन जन्म साइकिल नहीं चला है उकर पर मोटरसाइकिल ले थे इतना प्रेम वो बेटा काय करते जानथस नहीं सिर्फ शराब पी के सबाब में पूरा जिंदगी खराब कर अरे आजकल तो माता पिता ना सोचे पर मजबूर हो गए भैया अरे आज तो बेटा इतना नलायक हो गए हैं इतना नलायक हो गए क्यों अपेक्षा नहीं कर सके कभी जन्म अपेक्षा नहीं कर सके कि मोर बेटा कभू मोर पालन पोषण कर दे ही मोलाऊ नहीं देख मुठा माटिल दे दी ये अपेक्षा नहीं कर सके वो तो ऐसे समझते कि मुहिल देल मत लागे इतना गंदा मिजाज हो गया शराब पीना फैशन हो गए
और फिर शराब जेकर पिए ना पता नहीं बोलो होश नहीं रहा। हमारे गांव के एक झंटूरा शराब पिए रहा फुल पीपुआ के एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया, हाथों टूट गया है, ओकर गोड़ों टूट गया, तब बोल टूरा हंसत रहा है, हाथ गोड़ टूट गया है, फेंका गया है, हंसत रहा है, फोन करी दौड़ा दौड़ा सब जन गेन देखथन तो टूरा फेंका है, फटपटी फेंका है, हई माथा माथा फूट गए, हाथ गोड़ दोनों दोनों टूट गए। मैं कहूँ कब बेसराम हत्ते है तो हाथ गोड़ टूट गए तब बोलते हंसा था तो शर्म तो आना चाहिए रे है समझत दुनी समझ से बात लगी। मैं जाना था कहा तेरी जरा से मैं सब जाना था कहा तब बोल हंसा था जान सुन के ते नहीं जाना न कहा अब काला नहीं जान में बनत करे हस बने गिरे हस। अब मैं कहा हरम जाओ आराम करबे भी आई छी कितना बेशरम हंस रे ऐसे की तेरी जाना से कहा तेरी जाना से जी कहा मर हाथ सत्तन जाना था तुझे कहा महू जाना से कहा मोर हाथ टूट गए गोड़ टूट गए हाँसत एकर से थी मोर बाप एक कन्हियम खोजे रहे हम तो साले चेपटी अभी तक के नहीं फूटे हैं इसका इतना नशा कादी है। आजो भगवान राम विभिन्न प्रकार के चरित्र करके संसार के मल्ला एक सुंदर चरित्र के संदेश दे थे, एक सुंदर आचरण के संदेश दे थे, एक सुंदर विचार के संदेश देव थे। आओ भजन के बाद कथा प्रसंग यात्रा श्याम राम चंद्र की। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ तो एक दिन की जिगर है एक रात की कहानी। अंधी माता पिता के कारण श्रवण भरने गया था पानी। तो तुमरी कवाज सुन के राजा सप्तवेदी बाण छोड़ दिया। जा लगा तेरे सीने पे श्रवण जग से नाता तोड़ दिया। सावन कहे मोहे बादल प्यारा साधु कहे मोहे धाम प्राणी कहे मोहे जान प्यारा भक्त कहे मोहे राम। बिठी बिठी सुनत रे हो ये राम की कहानी। बिठी बिठी सुनत रे हो ये राम की कहानी। ये कर कथा ये कर कथा ये कर कथा हावी का सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर भैया सुनी ले बे राम की कहानी। ये कर कथा हावी का सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर भैया सुनी ले बे राम की कहानी। बैठे बैठे सुनते हो ये राम की कहानी। बैठे बैठे सुनते हो ये राम की कहानी। ये कर कथा हा ये कर कथा हा ये कर कथा हा हावी बस सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर भैया सुनी ले बे राम की कहानी। ये कर कथा हा हावी बस सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर दीदी सुनी ले बे राम की कहानी। तरगे तरगे रावण पापी दे दे पुजारी तरगे तरगे तुलसी ज्ञानी। करण सही दानी तरगे तरगे रावण पापी दे दे पुजारी तरगे तरगे तुलसी ज्ञानी। ये कर कथा हा ये कर कथा हा ये कर कथा हा हावी बस सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर भैया सुनी ले बे राम की कहानी। ये कर कथा हा हावी बस सुहानी हो सुहानी हो सुहानी हो मोर दीदी सुनी ले बे राम की कहानी।
युग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायन कोई। कलियुग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायन कोई। एकर कथा है, एकर कथा है, एकर कथा है। हावे पर सोहानी हो, सोहानी हो, सोहानी हो, मोर भैया सुनी लेबे राम के कहानी। एकर कथा है, हावे पर सोहानी हो, सोहानी हो, सोहानी हो, मोर बेबी सुनी लेबे राम के कहानी। बैठे बैठे सुनत रहूंगी राम के कहानी, सुनत रही राम की कहानी। एकर कथा है, एकर कथा है, एकर कथा है। हावे पर सोहानी हो, सोहानी हो, सोहानी हो, मोर भैया सुनी लेबे राम के कहानी। एकर कथा है, हावे पर सोहानी हो, सोहानी हो, सोहानी हो, मोर दीदी सुनी लेबे राम के कहानी। एकर कथा है, हावे पर सोहानी हो, सोहानी हो, सोहानी हो, मोर भैया सुनी लेबे राम के कहानी। लखन सिया राम चंद्र की जय। परमात्मा हा महाराज दशरथ के घर अवतरित होके जन्म होके जे व्यापक है, जे सर्वत्र है, जे निर्गुणी है, जे माया से रहित है, है ना, जनल है, वो भगवान हा जो विभिन्न प्रकार के चरित्र करत है। जेमें सबसे सुंदर चरित्र, प्रातः काल उठ ही रघुनाथ और गुरु पित गुरु मातु पितु नामाही माथा। ईश्वरे पराज काकर कौशल्य और दशरथ के बेटा के रूप में जन्म धरे। ईश्वरे वो हमार सब के बाप है ना, हमरो बाप है, हमार बाप के बाप है, हमार बाप के बाप के अब ओकरो बाप, संसार भर के बाप है। त्याग बेटा बन गए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और सोई जानत जई जान निहारा। तो राम तो केवल प्रेम के प्यारा है भैया, राम केवल प्रेम के प्यारा है। अब आज प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान तले तले जाए पर भक्तों के मान को न तलते देखा। जिकर हृदय से जिकर विचार में अपन भक्त के सम्मान ठेस पहुंचने दे, वो सुंदर विचार। भगवान राम बिहनल उठे अपन गुरु जी के, अपन माता के, अपन पिता के चरण प्रणाम करेगा। ओकरे नाम से किसी तुलसी ने इस रामचरित मानस को लिखा, बोल श्यावल रामचंद्र की जय। का कारण रे जानथो रामायण लिखे गे, कौन सही से गुरु रही से जेकर नाम से रामचरित मानस लिखी। कला रावण ला मार दी तहन बड़ा भारी बात हो गए, कहा है कौन होल टीप देवे तहन बड़ा भारी हो जाए है। कबाली ला मार दी तहन ओकरे से तेरा मायन लिख दिस का। दुन खरदूसा ला मार दी, दुन सुरपनखा नाक कान कटवा दी तहन लिख दिस रामायण। न सुरपनखा से ती लिखाइस, न रावण के से ती, न बालिक से ती, सिर्फ एक ठन गुण रही से। अब वो यही प्रात काल उठ ही रघुनाथ अमात पे तू गुरु नामही माथा। बिहना ले राम उठे अपन गुरु के, अपन माता पिता के चरण ला प्रणाम करे। पिता से तब आज्ञा ले, माता से आज्ञा ले कि अब मैं का कहा, अब मोला का कहना चाहिए। फिर नगर के काम में वो सपोर्ट करे। ये वो कर में सुंदर विचार रहेगा, तेकर से ती आज ओकर आचरण के पूजा होते, आज ओकरे आचरण के पूजा होते, राम के चरण के पूजा होते, है ना, काकर पूजा होते चरण के।
चरण के पूजा होते तो तोर गोल्ड सोन के सर्जरी करवा के मंच बैठ जाओ। अब अटंग के मन लगा देख क्या फाइन के दिख रहा है मेरा पैर आऊ हाय हाय हो हो हैं आत्म और चरण लधो पियो की के सोन के सर्जरी करवा लें चटकहा मत रख हैं एको जन पुही तोर दादा का लागा था रे लड़बड़ावा कहीं का बननी पिए बता का बननी पिए तोर तो एकदम स्पेशल चरण है कहां ले खूंद के आ है काला खूंद के आ है हैं काय चटके हैं काय चटके ते करो गोल नहीं उस लगर लगर के धोत रहे मनसे में देखते थे गुरु जी साधु जी भोले ना एको दिन तोर दई बाबू के चरण धोए हो कुजन हाथ तू चाह नहीं थे कि मैं मोर दई और दादा के चरण धो पिए हूं कि कुछ हाथ उठाए नहीं थे धो पिए हो काग से तिनी पिए ओकर गोड़ अच्छा नहीं है का चटक गए का तो दई गोड़ को ब्रही नहीं का काग से तिनी पिए नहीं काग से तिनी पिए कौन सा ऐसा अवगुण है तेरे माता पिता के चरित्र में या उसके चरण में कौन सा अवगुण है दिस इज माय क्यूज चल जिसके नाम से रामायण तो हम हर साल पढ़ते हैं बड़ा शान के साथ है ना बघारते हैं कि हम रामायणिक हैं तो चाल में कीड़ा परे कथे हां जेला पढ़ना है जेला करना है जेला सीखना है बोल एको दिन धोए हस हैं एक दिन नहीं धोए एक दिन नहीं धोए अब कहां लात ते करो कच्चा दूध में धो गंगा जल में धो सादा पानी में धो वो क्या सी लागी ते कनी चांट के पूरा मुड़ी मुला दे ऐसे है आज के संसार और फिर भी सुनते हैं हम रामचरितमानस सुन रहे हैं रामचरितमानस ये तमाशा है ना कतका तोल चरण धो पिए सौखे तोर दई और ददक लधो पी एक खुराक भी ना ले ले एक आध गिलास एक ईद गिलास संझा ले ले तो डोज कम हो डेढ़ बजे दबा नहीं तब वो कल एक झन नींद हो एक झलन एक झन नींद भैया हाँ। बल्कि तो रहू लागल छूटे बार तोर दई और दादा ना तोर बिहाव करते ते दिन औ तोर तोर चरण लधो पीते तोर चरण लधो पीते पता नहीं वो एक समझती है पता नहीं क्या समझती है वो अति समझते कि हो सकते बेटा ये धरती तोर आय मरने रही सोई का मैं तोर जबरदस्ती ले आने का मैं तोर रेनी हो गये बेटा मैं अपन निजी स्वार्थ पर तोर ले आने हूं का राजू पता नहीं वो अपना कितना फर्ज समझती है कितना धर्म समझती है कितना कर्म समझती है कब का ख्याल रखते आगिल बजाते पानील बजाते वो गड्ढा है बेटा अरे गुदल तोला बोझवा के फोकला को वो खुद खाती है तेरा वो हर माँ हर अरमान पूरा करती है तेरी माँ और तेरा पिता उसके मतलब क्या मिलता है भैया उसको सिर्फ आंसू बस मिलते तोर ऊपर लाख बलिदान करके ना महतारी बस एक ठन तो कथे ना बोले एक मुठा माटी दे देते बेटा सब छुटा जाई रे कथे इतना कुर्बान करती है सिर्फ तेरे लिए और तुम उसको क्या देते हो बताओ हम उसको क्या दे रहे हैं बताओ एको दिन परथन है वो तो परथन कब तक जब तक कुमारा है तब तक कुमारा है ना मोर दाई मोर भाई अरे ददर मया पलपला फूटा थे लाखड़ी लुवेल मत जाते दाई मेलू लू भात ला मेहल लोका डबका थे दाई ते मत पसावो मैं पसा देते ये साग ला मैं पोल लोका दाई तोर कपड़ा मैं कान लोका दाई तोरे सन खाते दाई एकदम लाखते दाई ओ रे मया हाँ अत कबेल नहीं नहाए दाई काय करत रहे वो आ नहाले दई तात पानी ती पौधों का बाप रे प्रेम नहीं भाई कहाँ गए जी आना खाएक बेर हो गए एक संग रखा देन का एक ठन थारीम खा देन का एक ठन खटियम सुन जतन का रे
एक ठन साइकिल में क्रूज चल देते का एक ठन फुट पैंट पहन लेते का भले टटंगी दौड़े समझ गई अतका माया अतका माया पर कब तक कुंवारा है तब तक ऐसे रे मोर ढक्की चोर बाढ़ है बेटा ला ले गे मोर बिहाव होइस ना तान दइयो भई जाय चूल्हा में मोर भाई कुचुकुडू छक्कलक गुदुर गुदुर दिन भरा छरल धर के लुटुर लुटुर घूमत है ना महतारी और बाप है हम तो कह रहे लुलु लुलु बिचो जत ऐसे है आज के मां माने औलाद सुने दैयो बाई भाई दाई और बाईम का अंतर है जान तो जब दाई फोन लगाते ना कहां से बेटा धमतरी मुदाई कैसे दस बज गया तक बेले नहीं आज का आवा थो ना दाई दसे तो बदे दाई जब महतारी फोन लगा था एक ठन बात करते अब रात हो गए बेटा ये सड़क में ये 43 नंबर रोड में बड़ मोटर गाड़ी चलत रहे थे गाड़ी के लट्टू कंजोर में आंखें चकचका देते थे राजू मत आते बेटा जगह जगह एक्सीडेंट होते थे कौन काकर रात काकर जात कतको बैरी दुश्मन घूमत थे बेटा रातेज भर के काम है राजू कौन होटल में से खा लेते कौन हो सराय में रुक जाबे नित कौन हो धर्मशाला में रुक जाते नित कौन हो लाज में रुक जाए बेटा तोरसन फोन में मोर बात हो गए मोर छाती चुड़ा के राजू पही ताना जबे बेटा मत आते राजू मत आ बेटा ऐसी कथे का ए हरे दाई ए हरे दाई जब भाई फोन लगा ही ना कहाँ हो जी धमतरीम हो जी कैसे मेरे डर लगता है अनीता मैं नहीं आ रहा हूँ आओ ना जी मैं अभी तक के खाना नहीं खाया हूँ मैं तेरा वेट कर रही हूँ भाई कैसनो करके आऊं जी भले ते कोनो कर झप्पा जाओ जी ए है भाई ध्यान रखना है बात ए है भाई चूंकि भाई जानती है कि अगर दुर्भाग्य से उसका पति मर भी गया तो उसके पास ऑप्शन है दूसरा पति मिल सकता है पर दाई जानती है कि अगर उसका बेटा राजू मर गया तो कोई दूसरा राजू मिलने वाला नहीं है उस माता पिता को हम क्या दे रहे हैं भैया क्या दे रहे हैं दिन भर राह टक टके लगाए देखत रहते निहारत रहते और बेटा आवत हो स्वाति नक्षत्रक पानी चाहती से कोई पक्षी रहते ना चातक पक्षी ला तिसने दिन भर टक टकी लगाए देखत रहते कत कबे मोर बेटा ही कतका बेर एक निवाला मोर मुंह में डाल रही हलक से मोर तृप्ति बुझा दे पर पता भी नहीं है कि वो नक्षत्र कभी आएगा उसका बेटा कभी आएगा बस एक बात चिल्लाते थे बेटा कहाँ हंस रहे लड़का कथे नहीं समझा दाई काय कहा था नहीं समझा तत्की बेरो का छाती भर जाते एक दिन तोरो गोट नहीं समझा थी बेटा तब फोन में समझो कि मोर लड़का भूखा के बिताई आज मोरो आवाज नहीं समझाते एक काम मोर सीधा मुंह डाल देते बेटा तड़प जाती है रोती है बिलखती है क्या देते भैया ये है रामचरित मानस श्याम रामचंद्र की जय लखन सिया राम चंद्र संग कर हरि ओ होरे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो पूरी हो तो सुंदर काया
हो। मिल रही हो कछु नहीं तन माँ, जुर मिल रही हो कछु नहीं तन माँ, तोरी माया के पूरी यार दो पूरी हो ते बसाले मन माँ, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो पूरी हो ते बसाले मन मा, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। तोरे मोरे कही के भरम हो के ना, तोरे मोरे कही के भरम हो के ना, तोरे कछु नहीं तन मार दो पूरी हो ते धरम कलना, तोर उजर काया हरि बिना तरसे हो पूरी हो ते धरम कलना, तोर उजर काया हरि बिना तरसे हो। संजा के बेरा कौआ तो करता, संजा के बेरा कौआ तो करता, का भरोसा हावे जिंदगी के दो पूरे हो तै सुमर ले हरि नाम, और उधर गाया हरि बिना तरसे हो पूरी हो तो सुमर ले हरि नाम, और उजर काया हरि बिना तरसे हो। राम धरे धनुषला फन धरे बा, राम धरे धनुषला फन धरे बा, सीता माई के भोजन पर हो पूरी हो, ये निकल गे हनुमान, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो पूरी हो, ये निकल गे हनुमान, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। हरि बिना तरसे हो पूरी हो, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो पूरी हो, तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। सियावर रामचंद्र
चंद्र की जय। आज भी शिक्षा देवा थे भैया हो, माता पिता के चरण में ही स्वर्ग है। जन्नी जन्मभूमि स्वर्गदाप इगर्यसी, जन्नी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। जन्नी जन्मभूमि जानवी च जनार्दना, जन्नी जन्मभूमि गंगा मैया भगवान, ये सबके एक एक ठन स्वरूप है। बस अतकी अकन चरित्र के नाम से तो सिर्फ राम के आचरण ला सबके सब मांगे, जत कभी मांगी ना राम के आचरण ला मांगे, काला मांगे आचरण ला राम के चरण ला। वशिष्ठ जी मांगी ना काला मांगी राम के चरण। नाथ एक बार मांगहूं राम कृपा कर दे प्रभु पद कमल। काय मांगिस पद कमल, भगवान शिव जी जब मांगिस ना राम के चरण ल मांगिस। बार बार वर मांगहूं हर से दे हूं श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बस राम के चरण ल मांगिस। अत्रि मुनि जब मांगिस ना बिनती कर सिरुनाई मुनि कह कर जोरी बहोरी चरण सरो रुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोर। राम के चरण लमांगनी से भरत जी जब पूछिस गंगा मैया की तोलत चाहिए का, बस एक ठन बात तो कहिस हर थन धर मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। राम के चरण लमांगनी और फिर केवट तो हद कर दीस पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ नाव उतराई चहो मोहरा में रावरी आने दशरथ सपत सब सांचे कहो बड़ तीर मारही लखन पे जब लगी न पाम पखारी हाँ तब लगी न तुलसी दास ना कृपाल पार उतारी हो। तो राम के चरण ल नहीं बल्कि होकर आचरण ल। आदमी के पूजा नहीं हो आदमी के चरित्र पूजा होते, चरण के पूजा नहीं हो आचरण के पूजा होते। हम अब आचरण ले सुंदर आचरण में ढालन। अब हमार सुंदर आचरण हमार सुंदर विचार कब बनी जब माता पिता के चरण में हम समर्पित कर देते। सबसे बड़े भगवान रेगेल कौन सी खोई तोर माँ, गोठियाल कौन सी खोई तोर दाई, खायल कौन सी खोई तोर दाई। तभी अब कथे ना मोर बेटा नो है बहनी, मोर बेटा नो है, मोर बेटा रही सही, मोर बेटा रही से कब जब मोर लड़का खायल नहीं सीख रही से तब, मोर बेटा रही से कब जब वो रेंगे नहीं सीख रही से तब। वो तला तो रेंगे पर सिखाया गया कैसे चलना है बोल बताया गया है, बोलत बताया गया। तोर बेटा रही से कब जब वो गोठियाल नहीं सीख रही से तब और खाल नहीं से करी तब। हाथ तोल पलना में झाल झाल के पंखा धुक धुक के खवैया गे दाई। अब तो तोर रांधे मिठाई खलोक नहीं हो बेटा, ऐसे है आज के औलाद और चाहते हैं कि मैं भी कभी राम बनूं। इम्पॉसिबल है भैया, पशु से बनत पनीर भैया नर से बने न कोई और बनत बनत बन जात है नर से नारायण होए नर से नारायण। हर माता पिता कितो चाहते हैं कि मोरो बेटा राम रतिस राम बरोबर बनतिस, पर कितना दुर्भाग्य है। अरे
एक कनुकर चरण में सिर झुका कर देख कतका सुख और सम्मति मिली, कितना शांति का अनुभव हुई। जब अतका दूर से मैं जाता ना, रात के कहूं दरवाजा खटखटा थो, दाई उठते आगे बेटा आगे हो दाई, जब पांव पर थो खुशी रह बेटा अभी याद हंस गए। ऐसे लागते जैसे मोर जतका शरीर के थकावट होते सफर वो सब खत्म हो जाते। अरे कन अनुभव करके देखो है, और फिर देखना एक दिन तोरो बेटा वो राम बरोबर हो जाए, तोरो बेटा राम बरोबर हो जाए। जीवन में सीखे के भैया आवाज सिर्फ एक गुण के नाम से, आज सिर्फ वही एक गुण पुत्र होना कैसे चाहे है। मरद ध्वज के कथा सुने हो, जब आरम चिरवाग बेर होइस ना त अमरद ध्वज कहा है अरे मुन जल्दी काटो जल्दी काटो, देरी मत करो, पुण्य खत्म मत हो जाए। राम आजो कित चरित्र करत है ना, तेकर से दिक्कत हो, ये राम चरित मानस है, राम एक स्वयं चरित्र है। हो चरित्र के माध्यम से हमरो घला राम राज्यासन बनाना ही बहिया हो, बनाना ही बहनी हो, पर कब, जब हमारा अच्छा विचार रहे तब है ना, हमारा अच्छा विचार रहे तब। अरे कतका ताकत है माता पिता के आशीर्वाद में, वही तो प्रसाद है। हो यहाँ यहाँ पिसान ल भूंज ले तमाशा करे बर, तोर हिसाब से मारा था शक्कर घी भूंजा था अतकी मतकिल भगवान में चढ़ा के पेट के पिरात में दबावा थे, उहुल मिला दे से भगवान निखा की के ती चार डालना मर जा खा के है। यहाँ यहाँ भगवान में नरियर चढ़ा थे, प्रभु मैं तो लेख सो नरियर चढ़ाऊ राजीव लोचन, भगवान कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चढ़ा ले रे अपने चढ़ावा थे अपने फोरा थे अपने नीचा थे अपने अपन जड़ा थे, यहाँ तो पूजा है, यहाँ पूजा मुजा सब है पर सब देखा है, यहाँ पूजा है पर दिखाए के है, दिखाना भर है कि मैं पूजेरी हूँ, बताना भर है कि हम लोग रामायण पढ़ने वाले हैं। अरे चेप्टी वाला हो कथु है नी, हम लोग रामायण पढ़ने वाले हैं है। ये काय ये नकली यूनिफॉर्म है, ये सिर्फ ये कहे कि हमार रामायण के मंच में जाथन तेला पहिनथन अच्छा दिखते, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। हम पुलिस है तो उसका यूनिफॉर्म है ना, तो इसे नहीं यूनिफॉर्म है, बाकी चाल है। नी चेंज हो मैं जाना था, बोल चेंज करे लाग थे बदले लाग थे, ये सब लोग सोचे के गा समझे के मैं ओकरे से थी, सबके जीवन में एक अच्छा सुखमय आए, घर परिवार ला कैसे चलाना है अतकी तो सीखना है भैया। तुमरो फिर एक दिन चरण के पूजा हो जाई, तुमरो आचरण के पूजा हो जाई, तोरो चरण ला धोक पी ली है ना, कोई बड़ा भारी बात नहीं हुआ, पर एक दिन समर्पण के भावना करके देख भगवान के राम के चरित्र से सीखन हम अपन जीवन में है ना। बोल कहेगा सुने तो इसने माता पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए है, पढ़े जा बेटा। हाँ कहाँ पढ़वे, रायपुर में, कतेक लागी कतको लागे तो दे, वहाँ जावा थे सरर सरर मिस का रिसीव कर थे। वो बच्चा क्या पढ़ेगा बताओ, क्या करेगा, कैसे समझाओगे, ये ही संसार के नीति सुने तो भैया एला हम सिखन चलन दिन ही में वहां दिया हूं कार्यक्रम वहां नहीं सुनू भैया ये तीते अलग अगर कान अगल बगल है आंखी होती देखा थी कान इतनी आवाज थी मजबूरी सर थकावट रखे ना नहीं तो दे देते ना वो बात नहीं से ता रामचरित मानस मंच के माध्यम से हम लोग सीखना है, और सबसे पहले अतकी सीखन हो अतकी पहली सीखन है।
मानवे तो देवता है जी नहीं, मानवे तो पत्थर है, है इतके है ना, निरंकार है न जिसका नाम है न आकार है, आकार कौन दे थे ते, प्रकार कौन दे थे, हाँ आकार ला कौन दे भगवान के ते, इसने रही सोई का शंकर है पत्थरों बरोबर रही सोई का, उसने चिन्ह माना था तो तोर बर शंकर है अब कुकुर है भयंकर है कर देता तो हो रहा का पता है शंकर है मंकर ही करे, अरे देख हम अनेक इंसान हो तो नहीं जान सकन, हमार घर में भगवान है तो वो तो एक जानवर है, हमार मन कर तो ज्ञान है भगवान स्पेशल दे ज्ञान लग ज्ञान उकर मन कर सिर्फ बुद्धि बस है, बुद्धि है वो खाए के ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है बस बोल पता नहीं है भैंसा ला कि बिहना लूट के मोर ब्रश करना चाहिए मोर मुंह साफ हो ही है ना, हाँ उसके बाद मेरे थोड़ा कोटना में नहीं सूखा पैरा दबाना चाहिए, उसको ज्ञान नहीं है बस उठना है चिपरा फेंका है फेंका है ये लद्दी ये धुनी बुड़ जाओ धुने पानी ये साफ वाला, उसको ज्ञान नहीं है बस उठना है मां चुभक चुभक ए हरे ओकरो ले थमन बत्तर है, ओकरो ले थमन बत्तर है, हमार कर तो ज्ञान है तब बोले ना अज्ञानता छुपे, अब अज्ञान तो वही हरे घर में हमार भगवान है, भगवान खोजल कहां जात गंगा सागर जगन्नाथ तोर बाबू है मर जा ही चेह पट के अतकिछ हमारे जीवन के अज्ञानता है, अतकिछ हमारे जीवन के अज्ञानता है कि हमारे कर सब कुछ होते हुए भी हम नहीं जानते, तो भैया अतकिछ बात ला हमारे जीवन में बहुत इमरजेंसी सीखना है मोला लाख थे ये रामचरितमानस के इसने उद्देश्य हो ही है, अपन अपन सोचे अपन अपन विचार है ना, जीवन में पहले विश्वास कर हो विश्वास कर है इतना विश्वास करे, अब तो भगवानों के ऊपर विश्वास नहीं आदमी देखने से तीते साल पानी ची नहीं गिरी, हाँ पौर तो बिल्कुल नहीं गिरी था है कतेक साल है तो तुरतुरी पूरी, पहले किसान मन कितना विश्वास करे जानते हो भगवान के ऊपर है, ये सब किसान अभी जाना थे ये हमारे बुजुर्ग मन बैठे हैं उनकर चरण के मैं प्रणाम कर रहा था, पर विश्वास करे कितना, जब किसान धान ला नापे ना काठा में तो राम के नाम के साथ शुरू करे, राम के नाम के साथ शुरू करे रामे दुए एक नहीं कहे वो रामे दुए तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन सही कहे वो और नहीं सही कहा, मतलब राम के नाम के साथ शुरू किया हूं तो मेरा गलती फेल नहीं हो सकता, ओकर बाद एक कैस नहीं कहा है सरा अब सरा दबा कि अब एक खंडी हो चुके हैं, फिर शुरू करे चाहती थे कई बाईस तेईस चौबीस पच्चीस गिन देती नहीं हो फिर राम है, वो राम के नाम के साथ जो शुरू करे ना वो दस खाड़ी धान हा पांच जन परिवार ला साल भले पूरे नहीं मारी न मीमारी न यंगू न डेंगू न टेंगू कुछ नहीं रही से हैं हैं मजाक नहीं करत हो, और एक आध दो खाड़ी लो कौन होल बाढ़ ही दे हैं, किसान जब धान हा ऐसे रिसगा धान खेत में जाए धान बोए पहली हूम दे हे भगवान मैं धान ल छीतत हूं धान मत भय राते बने जाग जती हो धान छीता जाए फिर हूं दे बने जागे भगवान, धान लल्लू एक पहली हूं दे करपा बने मार जते प्रभु, बिड़ल उठाना है ओकर पहली फिर हूं दे हे भगवान करपम ढोड़िया मोड़िया मत रहते निकल के भाग जा रहते चाप दे बेरट लग में गए हो जाए ईमानदारी समझ आ मैं देखे हूँ भाई मैं देखे हूँ जीवन में देखे धान लनाने प्रेम से इसे उठा दनाक दनाक टेक्टर निपट के बड़ा ऐसे हाथ में इसे उठा के प्रेम से करे हुम दे पहले हुम दे वो किसान है
हो मोर घर में लक्ष्मी आते की स्वागत करे हो। सुने स्वागत करे मोर कोठार में लक्ष्मी आते की खरही मढ़ाए पहली फेर हूं दे हवा करे मत उलन बनी बोकरा देव हो जाए ईमान से गांव बनाए पहली नहीं रहे ना सब सिस्टम मिंजे के फेर हूं दे खरही मुड़ी बनाना है फेर हूं दे खरही लुजाड़े पहली फेर हूं दे पैट डारे पहली अतका कने एक मुठा धर के कोठार में लेके फेर हूं दे बेलन पैट डरा गए बेलन फांदला है फेर हूं दे दौरी फांदे दौरी बेलन में तो नहीं रही दौरी फांदे पहली फेर हूं दे बैला बने रहेंगे कोढ़िया मोढ़िया मत होगी बैला रेंगा थे दौरी रेंगा थे किसान खेदा थे बैला कहू गिल्ला गोबर दे देती सुना फेर हूं दे बैला पोंक कैसे रहा है इसको कड़ा वाला माल देना चाहिए मजाक नहीं कर रहा जब हूं देना कड़ा गोबर देख शुरू कर दे हासत हो तेल में देखे हूं मोर जिंदगी में हो कब जब राम के ऊपर विश्वास रही तब फेर हूं दे धान लकटेले पहली फेर हूं दे पैर फेंका के फेर हूं दे धान सकला जाए बोले से रास ला बांधे के फेर हूं दे कलारी मलारी सुपर रख के चंदा सूरज बनाए कहीं कुछ फेर हूं दे रात हो जाती था वो सायक शुरू करे पहली फेर हूं दे फिलफिली गड़ी आग बेर हवा की दिशा देखे एक बेर ना फेर हूं दे किसान ओसावा थे किसान ओसावा थे हवा पूरब से पश्चिम चला थे किसान ओसावा थे वहां वहां थका थे सुपम धुकई में डेना डेना पिरावा थका अचानक कहूं हवा कहूं पूरब से पश्चिम चलिया हवा पश्चिम से पूरब कोती चले शुरू हो जाए ना किसान घबरा जाए फेर हूं दे कि हवा का दिशा कैसे बदल गया और किसान के हुम में इतना ताकत रही से कि पश्चिम से पूरब चलने वाला हवा फिर से पूरब से पश्चिम की ओर चलने लग जाए बोल सियावर रामचंद्र की जय तब राम राज्य रही से कब जब इसने राम आसन बेटा रही से तब बस अतकिछे राम आसन बेटा बना सीता सन बहु बनन कौशल्या सन सास बनन बिन गतर के फोकट के नूल निकाल के मत दू उसने उसने सास है हाँ मोरो बहु सीता सन रति अते है रो ठूठा ही कथम हाँ तेल लई से देवा थे बिन गतर के बरिल गिन के देवा थे चार ठना दौरी बरी जन्म नहीं देखे अंते से हाँ हाँ ना मैं कथो मछली अच्छा मछली एक दिन नून चूर कर दूंगी के चुचवा जाए खावाई जीवन में विश्वास होना चाहिए श्रद्धा होना चाहिए वो सब में मानव जीवन सब समझते मेरा धर्म क्या है मेरा कर्म क्या है कर्तव्य के और नीति जतका हो सके समझे प्रयास करन बस यही निवेदन के साथ आप सबके श्री चरण में प्रणाम करत मोर बात से काकरो व्यक्तिगत जातिगत धर्मगत संप्रदायगत बाह्य दृष्टिकोण से या आंतरिक दृष्टिकोण से काकरो निजी भावना ठेस पहुंची सोही बोला अपन लैका समझ के आप सबके श्री चरण के फिर पूरी पखारत क्षमा चाहत हूँ अब भजन के बाद मंत्र से विदा होना चाहूँ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ तो मोहन की बंसी बजी वृंदावन की घाट में कैसा जादू डाला ही कन्हैया ये मुरली की राग में तो तेरी मुरली की धुन सुन सुन के मैं तो हो गई बावरिया जिया मोरी नहीं माने देखे बिना सावरिया गंगा बढ़िया गदावरी की तीरथ बढ़िया धाम अवध्या बढ़िया काशी की कृष्ण बढ़िया राम अजी मतलब किसी दुनिया में कौन किसी का होता है धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है बोल आनंद कन भगवान की जय
कहनी गुना में सजा दिना मोहन ओ भोला कहनी गुना के सजा दिना नी कहनी गुना में सजा दिना मोहन ओ भोला कहनी गुना के सजा दिना नी कहनी गुना में सजा दिना मोहन ओ भोला कहनी गुना के सजा दिना नी कहने गुना में सजा दिना मोहन हो मोला कहने गुना के सजा दिना नी वह गिरधर के जी कौने न गावे 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 कौने न गावे जी कौने न गावे कौने न गावे जी कौने न गावे अरे कुमार बाला मोहे दिन्हा जी हरि बजा पाला मामो कहने गुना में सजा दिना मोहन ओ भोला कहने गुना के सजा दिना जी कहने गुना में सजा दिना मोहन ओ भोला कहने गुना के सजा दिना जी सोवे सवरिया लक्ष्मी पैर दबावा सिर सागर में सोवे सवरिया लक्ष्मी पैर दबावा सिर यहू सिर सागर में सोवे सवरिया लक्ष्मी पैर दबावा सिर सागर में सोवे सवरिया लक्ष्मी पैर दबावा ये गया लक्ष्मी पैर दबावे मोहन मोर लक्ष्मी पैर दबावा सिर अरे लक्ष्मी पैर दबावे मोहन मोर लक्ष्मी पैर दबावा सिर यहू लक्ष्मी पैर दबावे मोहन मोर लक्ष्मी पैर दबावा सिर अरे लक्ष्मी पैर दबावे मोहन मोर लक्ष्मी पैर दबावा सिर वह गिरधर के जी कौने न गावे 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 कौने न गावे जी कौने न गावे कौने न गावे जी कौने न गावे अरे को बजा बलावा मोहे दिन्हा जी हरी कुबजा बाला मामो सैतनाम हो मामा सैतनाम राम हरि सैतनाम हजा सैतनाम राजा कृपो
को राजा को नरिया मेरे मकड़ा नरिया मेरे मकड़ा नरिया मेरे मकड़ा छोरी ना खाए या पोतरी ना खाए छोरी ना खाए या पोतरी ना खाए अरे छोरी ना खाए या पोतरी ना खाए छोरी ना खाए या पोतरी ना खाए अरे पारी बारा निया ता लगाए पारी बारा निया ता लगाए अरे परे सपेटा तेंग ना के जब केरर केरर नरिया है नरिया बेरे ककड़ा नरिया बेरे ककड़ा यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी यहूदी ना मोहना है भैया यहूदी ना जोगना है जी हरि लखन सिया राम चंद्र की जय अभी भी मोल कहे लागे।